कुंडी की जमीन पे हम 12-14 साल से केस लड़ रहे थे। अब हम यहाँ पे आए अहमद के साथ में कमिश्नर बलिया करने जलपली के, तो हफ्ते के दिन डिटेंशन करने का एक मिनट साथ यहाँ आए हुए थे। बातचीत हुई कमिश्नर साहब से, हम ये तोड़ने का आर्डर मिलने के बाद भी ये लोग नहीं तोड़े। आज बातचीत हुई है अहमद भाई में, यासीन ये लोग आए थे, तो इंशाल्लाह देखेंगे हफ्ते के दिन का वादा करे हैं क्या होता देखेंगे। वासिम बोला अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग म्युनिसिपल में आए हैं। हम लोग ऑर्डर लिए बाद भी हमको मिसगाइड किया जा रहा था, फिर अब इसके बाद अब कमिश्नर साहब हमको प्रॉमिस किए हैं हफ्ते तक कुछ रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। हफ्ते तक क्या होने वाला है अल्लाह खैर करने वाला है। हमको इंसाफ चाहिए, आज हमको थोड़ी बहुत हिम्मत मिली है इंसाफ की। हम कमिश्नर साहब की ज़बान पर इंशाल्लाह देखेंगे सैटरडे के दिन, इंशाल्लाह साहब बोले कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कोर्ट ऑर्डर्स आने के बाद भी हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा था म्युनिसिपल में, कोई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था। आज हम इसीलिए मीडिया के साथ हम आए हैं, अब साहब हमको मीडिया के सामने जवाब दिए हैं हफ्ते के दिन इंशाल्लाह डिमोलिश करेंगे बोल के। इंशाल्लाह हम डिमोलिश अगर इंशाल्लाह हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इंसाफ मिला है हमारे। ये लाइन कहाँ पे है? ये लाइन एरागुंटे पे साहब, एरागुंटे पे 2012 से हम लोग लड़ रहे थे। 2012 से 2017 में जजमेंट आया, इसका जजमेंट आया बाद अपील में जाकर वो स्टे लेकर इतना फेवरेबल डॉक्यूमेंट्स बनाकर परमिशन निकाले बाद हम लोग WP फाइल किए, इसके बाद हमारा कैंसिल हुआ ऑर्डर। कितनी है जमीन आपकी? 533 है, 2 प्लॉट है, 2 और 3 हम लोग का। अच्छा, वो डिमोलिश का आपके पास जो मौजूद भी हमको पता नहीं है क्या है, क्या रिस्पॉन्स हमको म्युनिसिपल रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब बोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीमिता इंदिरा रेड्डी साहब के पास भी गए थे, मैडम के पास, वहाँ से भी उनको कॉल करने लगा है और कलेक्टर के पास भी गए थे। ऑर्डर आने के बाद भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फिर लास्टली हम ये डिसीजन लिए, इसलिए हम फेस पे आए हैं इंशाल्लाह। मीडिया से क्या गुजारिश है आपकी? बस अपने चेयरमैन तक ये हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं KTR तक, ताकि ये मिसयूज़ हो रहा है म्युनिसिपल में। ये देखिए आप म्युनिसिपल में क्या है, मिसयूज़ इतना हो रहा है कि सीनियर सिटीजन परेशान हो रहा है, हार्ट पेशेंट, लोकल बॉडीज कहाँ जाना, तो इसको इसलिए बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है KTR साहब को जलपल्ली म्युनिसिपल के लिए। तो अभी लैंड ओपन है क्या है वहाँ? नहीं, पहले ओपन थी, अभी वो बना लिया है लैंड, दो नवाब कवाब बनाए हैं वो इंशाल्लाह। उसको मना करे कि आना भी नहीं बोल के हमारी ज़मीन पे, पहले के जजमेंट पे वकील साहब जो थे ये ज़मीन को दे देना, इनकी ज़मीन पे जाना भी नहीं बोले। जब फैसला आया तो हम लोग पाइप वगैरह जाली वाली लगाने गए तो लड़ाई झगड़ा करे, उसके बाद में हम लोग फिर अदालत से रुजू हुए, फिर उसके बाद में उन्होंने ये बनाना शुरू करे। पहले के फ़ोटो भी हम डाले अदालत में, सिर्फ झाड़ा थे, झाड़ी थी, घास थी, अब उन्होंने उसको बनाते जा रहे हैं। तो आपको पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई पुलिस वोली सपोर्ट नहीं करी, जाके बोले भी तो उसको बनाते जा रहे हैं। तो आपको पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई पुलिस वोली सपोर्ट नहीं करी, जाके बोले भी तो सिविल मैटर है, बताएं जाके बताएं, जाओ आप कोर्ट आएंगे बताएं। हम कोर्ट से ऑर्डर लाए बाद भी हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि म्युनिसिपल से। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब हमको नीचे ना डाला वो लाओ ये लाओ बोल के फिरा रहे हैं हमारे साहब की जबान पे, और अहमद जैदी साहब के संगात हम लोग आए थे। साहब का भी बहुत बड़ा ताउन हुआ मीडिया से, इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि सैटरडे के दिन साहब पूरा ऑर्डर ओबे करे, जैसा कोर्ट ऑर्डर ओबे करे जैसा। आपके अपने शहर हैदराबाद में हाइबिस हेल्थ केयर की जानिब से अवार्ड तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की। इस अवार्ड की तकसीम में हैदराबाद के सबसे काबिल सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर S. राधाकृष्णन राव को भी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी बेहतरीन खिदमात पर हेल्थ मिनिस्टर T. हरीश राव और इंडियन क्रिकेट फॉर्मर कैप्टन कपिल देव के हाथों से उन्हें अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डॉक्टर S. राधाकृष्णन राव एक काबिल डॉक्टर है, हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शालिनी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जिसके हाथों कई मरीजों का बेहतरीन इलाज हुआ है। इस प्रोग्राम में कई काबिल शख्सियतों को उनकी खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में हेल्थ मिनिस्टर T. हरीश राव, इंडियन क्रिकेट फॉर्मर कैप्टन कपिल के अलावा एक्स MP डॉक्टर बूरा नरसैया गार्ड और दीगर ने शिरकत की।